श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 36। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं महा सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। तात्पर्य, श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भाव नमृत की नाव अत्यंत सुगम है किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात भी है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 37। यथेधांसि समिद्धोग्निर् भस्मसात कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तात्पर्य, आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यह अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है अपितु पुण्य कर्म के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्मफल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित आदि, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। वेदों में कहा गया है, उभे हुए वेश एते तरत्य मृत साधवा साधुनी। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 38। नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः काले नात्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथासमय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तात्पर्य, जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में, ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवद गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 39। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं चिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तात्पर्य, श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त
मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।